प्राण साधना के अभ्यास से हमारा श्वसन तंत्र क्रियाशील रहता है। श्वसन तंत्र में शामिल हमारे सभी अंग यथा नाक, मुख, ट्रेकिया, ब्रोंकाई आदि प्राणायाम के अभ्यास के समय अपना कार्य करते हैं। प्राण साधना इन सब को शुद्ध बनाती है। प्रत्येक हिस्से में जो प्राण वायु है, जिसे हम वातावरण से ग्रहण कर रहे हैं, वह है ऑक्सीजन। उसका संचरण उचित मात्रा में हो पाता है। प्राण साधना के अभ्यास से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक, जब हमारे श्वसन तंत्र के अंग क्रियाशील नहीं होते हैं, तभी इनमें रोग उत्पन्न होते हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में हर बार आधा लीटर प्राण वायु को बाहर निकाल पाता है और उतना ही भीतर ले पाता है, जबकि फेफड़ों में करीब 1.5 लीटर प्राण वायु को बाहर छोड़ा और अंदर लिया जा सकता है। यानी कि हम अपने फेफड़ों का कुछ ही मात्रा में सही उपयोग कर पाते हैं, शेष निष्क्रिय पड़े रहते हैं। लेकिन प्राण साधना में प्राण वायु के दीर्घ और सूक्ष्म अभ्यास से फेफड़ों को पूरा क्रियाशील कर अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इससे मनुष्य की जीवन अवधि पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। प्राण वायु के द्वारा ही हमारे शरीर के रक्त की शुद्धि होती है और शुद्ध रक्त का संचरण शरीर के हर भाग में होता है। प्राण वायु हमारे शरीर की कोशिकाओं और अंगों के भीतर होने वाले क्षरण को भी रोकती है और उनमें शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह करती है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो प्राण वायु है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा है और किस तरह से वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है, उसका क्या लाभ है हमारे जीवन के लिए। तो ये वैज्ञानिक लाभ है प्राण साधना का और प्राण वायु का।